प्रीति साहब, मुझे पहले तो ये समझाने की कोशिश करें और नाजरीन को भी कि फजलुर रहमान साहब का और महमूद अचकज़ई साहब का कजिया है क्या, मतलब वो क्यों नहीं चाहते कि ये इस रिपोर्ट पे आगे जो है वो काम शुरू हो। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई साहब से मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, इन दोनों से मेरी मुलाकातें हुई हैं माजी में भी बहुत दफ़ा, और इस मसले में खसूसन मौलाना से बड़ी तवील मुलाकात हुई है, तो उनके पास कोई मंतिकी वजह या कोई ऐसी दलील या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी को भी कन्विंस कर सके। मौलाना साहब ने मुझे कहा कि लतीफ़ इससे बैन अल-अक़वामी मसले पैदा हो सकते हैं। मैंने उसको कहा कि मौलाना साहब, ये तो जब आपके वालिद मोहतरम साहब MNA थे और ये आइन बन रहा था 73 का, 1973 का आइन बन रहा था, तो उस वक्त आर्टिकल आइन के पहले मादे में, पहले आर्टिकल में फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया यानी ये कबायली इलाके पाकिस्तान के हिस्से गर्दाने गए, और उस पर आपका भी दस्तखत है हमारे मोहतरम अल्लाह बख़फ़रत नसीब करे खान अब्दुलवली खान के भी दस्तखत हैं, और इसी तरह बहुत से लोगों के उस वक्त जो MNAs थे उन्होंने जिस आइन में बनाने में मदद की और शिरकत की, तो मौलाना के पास तो कोई ऐसी मुझे हकीकत है मुझे कोई मंतकी वजह नहीं मालूम। दूसरा, जो महमूद खान साहब हैं वो माजी में फरमाते थे निजी महफलों में हमारे साथ और कहा करते थे कि ये कबायली इलाका हमारा आज़ादी का मोर्चा है, हम इससे आज़ादी की जंग लड़ेंगे। तो मैंने तो उनको कहा कि अगर आप आज़ादी की जंग लड़ते हैं आप आगे हो जाए, मैं दूसरा बंदा आपके साथ हो जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा आज़ादी तो गवर्नर हाउस से और इस्लामाबाद के पार्लियामेंट से, वहाँ से तो नहीं लड़ी जा सकती। अगर आप पख्तूनों की आज़ादी चाहते हैं या कोई आपके जहन में ऐसी कोई बात है, तो हकीकत ये है न महमूद खान साहब के साथ न मौलाना के साथ कोई मंतकी दलील है। देखिए, सादी सीधी सादी बात है कि फाटा के अवाम सारे के सारे तमाम पख्तून, इसमें कोई चंद हज़ार गैर मुस्लिम हिंदू सिख वगैरह होंगे, उसके अलावा वो 99.9% पख्तून है, तो अगर वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम होकर एक बड़ा सूबा बनाएंगे तो एक पख्तूनों का इत्तेहाद हो जाएगा, बड़ा सूबा बन जाएगा, इनकी ताकत में इजाफा होगा।